शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं पुनः आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के मासिक राशिफल के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर 2021 के मासिक राशिफल की। सितंबर 2021 में एक दो नहीं बल्कि पांच मुख्य ग्रह राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर, हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। फिर चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, अपना खुद का व्यापार करते हो, या फिर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स हो, या फिर नौकरी की तलाश कर रहे नव युवक या युवती हो, आपके भाग्य पर इसका असर पड़ेगा, आपके घर परिवार, आपके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर सभी के साथ रिलेशंस पर इस ग्रह गोचर का असर भी जरूर पड़ेगा, जिसकी हम विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप अंत तक इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहेंगे। अब आपके राशिफल की चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमसे कोई मदद की आप आशा रखते हो, या फिर किसी भी परेशानी का आप अपने जीवन में सामना कर रहे हो, तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे शेयर कर दें। चलिए भक्तगणों, अब बिना विलंब के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं सितंबर 2021 के ग्रह गोचर की चर्चा के साथ। ज्ञान गंगा। चलिए भक्तगणों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर 2021 में ग्रह गोचर यानी कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है। तो इसके लिए हम लोग काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो पहला भाव है मेष राशि का, वो पूरे महीने मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाला है। द्वितीय भाव वृषभ राशि का भाव है और इसमें राहु देवता विराजमान है। तृतीय और चतुर्थ भाव जो कि मिथुन और कर्क राशि के भाव है, दोनों ही पूरे महीने मुख्य ग्रहों से वंचित रहेंगे। इसके बाद जो पांचवा भाव है सिंह राशि का भाव, वहां पर मंगल देवता विराजमान है महीने की शुरुआत में, जो कि 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उन्हीं के साथ साथ जो सूर्य देवता भी हैं, वो भी महीने की शुरुआत में पंचम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है और वो भी 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद जो कुंडली का छठा भाव है, वहां पर हम लोग नजर डालेंगे। ये कन्या राशि का भाव है, तो इस कन्या राशि के भाव में महीने की शुरुआत में बुध देवता विराजमान है अपनी ही राशि में, उच्च की राशि में विराजमान होकर बुध देवता भरपूर आशीर्वाद दे रहे थे, जो कि राशि परिवर्तन अब करेंगे यहां पर 22 सितंबर को और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 27 सितंबर को बुध तुला राशि में ही वक्री हो जाएंगे। पहले उनकी अवस्था मार्गी थी, अब यहां पर 27 सितंबर को वो वक्री हो जाएंगे। साथ ही साथ कन्या राशि में महीने की शुरुआत में शुक्र देवता भी विराजमान थे और शुक्र के लिए ये उनकी नीच राशि थी। इस राशि में से वो राशि परिवर्तन करेंगे और 6 सितंबर को तुला राशि, जो कि उनकी अपनी राशि है, वहां पर आकर वो विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अष्टम भाव पर नजर डालते हैं, तो अष्टम भाव जो है उसमें केतु देवता विराजमान रहेंगे इस पूरे महीने। नवम भाव की चर्चा करें जो कि धनु राशि का भाव है, तो वहां पर कोई भी ग्रह इस महीने विराजमान नहीं रहने वाला है। दशम भाव, यहां पर एक विशेष घटना घटने वाली है। यहां पर शनि वक्री अवस्था में ऑलरेडी काफी समय से विराजमान है, मकर राशि उनकी अपनी ही राशि है और बृहस्पति भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 14 सितंबर को वो वक्री अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं पुनः मकर राशि में। अब मकर राशि जो है वो बृहस्पति के लिए उनकी नीच राशि है, जिसका प्रभाव हर राशि के हर जातक पर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है,
जिसकी हम लोग आगे भी विस्तार से चर्चा करें। जो 11वां भाव है, कुंभ राशि का भाव है, वो मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचित है। केवल बृहस्पति ही शुरुआत में वहां पर विराजमान थे, जिन्होंने 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश किया है। आगे जो 12वां भाव है, जो कि मीन राशि का भाव होता है, वो मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाला है। चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो तुला राशि के जातक हैं, उनके लिए इनकम की जो स्थिति है, आमदनी की जो स्थिति है, गेम्स की जो स्थिति है, वो यहां पर सितंबर 2021 में किस प्रकार रहने वाली है। जब कभी हम इस चर्चा को करेंगे तो आपकी कुंडली के 11वें और द्वितीय भाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। 11वें के मालिक हैं सूर्य देवता और यहां पर द्वितीय के मालिक हैं मंगल देवता। अब मंगल देवता की अगर हम स्थिति को देखें तो मंगल देवता 6 सितंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आकर विराजमान हो रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब वो 12वें भाव में विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं इसका फर्क आपके खर्चों पर जरूर बढ़ेगा, खर्चे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल होंगी। अब ये खर्चे आपके किस किस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, तो देखिए परिवार पर खर्चे, यहां पर दूर संचार के माध्यमों पर खर्चे, यानी कि मोबाइल्स, इंटरनेट, टेलीफोन इत्यादि जो संचार के माध्यम हैं, जो कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, उन पर खर्चे बढ़ सकते हैं। यहां पर खर्चे बढ़ सकते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर, लाइफ पार्टनर के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर। तो इन खर्चों से आपकी आमदनी थोड़ी अफेक्ट हो सकती है। दूसरी बात अगर हम करते हैं सूर्य देवता की, तो सूर्य देवता 17 अगस्त तक तो इसी भाव में विराजमान है, परंतु यहां पर राशि परिवर्तन करके वो विराजमान हो जाएंगे 12वें भाव में 17 सितंबर के पश्चात। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं विपरीत जा रही है। जिस समय पर जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च हो जा रहा है, ये अंदेशा प्रबल हो रहा है। यहां पर 11वें भाव, जो कि आपके एल्डर ब्रदर यानी कि आपसे जो बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, उनको भी दर्शाता है। तो अब उनके बताए मार्ग पर चलने से कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना भी इस समय पर दिखाई देती, परंतु उनको आपकी वजह से थोड़ा फायदा हो सकता है, यानी कि आपके नुकसान में कहीं ना कहीं उनका फायदा हो सकता है। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, यहां पर बात कर लेते हैं कि कर्मों की दृष्टि से जो महीना है सितंबर 2021 का, वो किस प्रकार रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। जहां से हम चर्चा करते हैं कि आपकी जॉब की मिलने की संभावनाएं कितनी बन रही हैं, जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार कैसा चलेगा, और नव युवक और युवतियां जो कि नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर एक अच्छे इंक्रीमेंट की तलाश के लिए जंप करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए समय कैसा रहने वाला है सितंबर 2021 में। इस चर्चा को करने के लिए आपकी कुंडली के हम लोग दशम भाव का अध्ययन करते हैं। दशम क्योंकि चंद्रमा कंट्रोल्ड है, तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, तो जब चंद्रमा जब जब शुभ स्थिति में आएंगे उस समय पर फैसला लेना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इसमें चंद्रमा दो बार, करीब 2 से 3 बार आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर विराजमान होंगे, जिसमें कुछ समय महीने की स्टार्टिंग का ही है, जहां पर चंद्रमा भाग्य के भाव में विराजमान है, फिर उसके बाद कर्म स्थान पर आएंगे और फिर इनकम में आएंगे। तो ये तीनों ही स्थितियां फिर आपके लिए फेवरेबल बनती हैं। तो महीने के शुरुआत के 4-5 दिन में कोई स्विच का मौका अगर आपके हाथ में लगता है तो आप उस समय पर ले सकते हैं। इंटरव्यूज कुछ मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज इस समय पर सामने आ सकती हैं, परंतु उसके बाद क्योंकि शनि का प्रभाव इस भाव पर पड़ रहा है, शनि सप्तम दृष्टि से वक्री अवस्था में विराजमान है अपने ही घर में, और साथ ही साथ यहां पर 14 सितंबर के बाद बृहस्पति भी आ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
घर के मामले आपकी वर्क प्लेस पर आपके पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहे हैं। आप घर की चिंताएं, घर का मानसिक तनाव लेकर अपने वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, जो आपके काम के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो इस समय पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर और वर्क प्लेस को आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। घर का माहौल लेकर, घर का मूड लेकर आपको वर्क प्लेस पर नहीं जाना है, अन्यथा प्रगति के बजाय आप दुर्गति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे, यानी कि अपना ही कोई नुकसान कर बैठेंगे। व्यापारी लोग कोई इंपॉर्टेंट डील खो सकते हैं, जो स्टूडेंट्स या फिर जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं वो इंटरव्यू के लास्ट राउंड में स्क्रू अप कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं, और इसी प्रकार जो लोग प्रमोशन की आकांक्षा रख रहे हैं वो कहीं लास्ट मिनट पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर एक अच्छा मौका अपने हाथ से गवा सकते हैं। सो सावधानी बरतने की यहां पर आवश्यकता अधिक हो जाती है। अब आप में से कई भक्तगण सोच रहे होंगे कि शनि और साथ ही साथ तो बृहस्पति भी आ गए हैं और काफी समय इसी प्रकार विराजमान रहने वाले हैं, तो ये तो बड़े समय तक हमारे वर्क प्लेस पर कठिनाइयों को उत्पन्न करते रहेंगे। कैसे इनसे हम बच सकते हैं? कैसे आकाश में जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, जो ग्रहों के राशि का परिवर्तन हो रहा है, उसका शुभ प्रभाव ही आपको मिले और जो अशुभ प्रभाव है वो कम से कम उसका फर्क आप पर पड़े, तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर अपने जन्म कुंडली में स्थित जो अशुभ ग्रह हैं उनका उपचार करके, उनके लिए कुछ उपाय करके आप जीवन में आ रही इन परेशानियों को, इस विपरीत ग्रह गोचर की स्थिति को आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे इन अशुभ स्थितियों में भी आप प्रॉफिट ही करते रहें, आप आगे ही बढ़ते रहें, आपकी कमाई पर, आपके वक्तव्य पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके घर पर या किसी भी क्षेत्र पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमारे सिद्ध शनि मंदिर के गुरु रजनीश जी, गुरु मां रुक्मणी जी या मुझसे यानी कि स्वामी राज ऋषि जी से करवाएं, ताकि हम आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको ऐसे उपाय बता सकें जो आप पर आ रही इन परेशानियों को दूर करें और शुभ ग्रह स्थितियों के प्रभाव को प्रबल करें, उनको बढ़ाएं, उनको एंकरेज करें, उनको और पावरफुल बनाएं। आप में से जो कोई भी भक्तगण मुफ्त में हमसे ज्योतिष परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी को प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके अपनी परेशानियां हम तक भेज सकते हैं। हम आपको निशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे अपनी ऐप के माध्यम से, जो भी लोग अपना आवेदन हमें भेजें। चलिए भक्तगणों, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं भाग्य की दृष्टि से समय किस प्रकार रहने वाला है यहां पर आप लोगों के लिए सितंबर 2021 में। तो भाग्य के देवता बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में विराजमान है, परंतु 12वें भाव में समय पर विराजमान है, जहां पे दो ग्रह, दो एक क्रूर ग्रह मंगल और एक सूर्य देवता जो कि एक माइल्ड मलिफिक है, हम जिन्हें कहते हैं यानी कि मध्यस्थ, यानी कि बिचौलिए, यानी कि बीच के, मतलब बहुत ज्यादा क्रूर भी नहीं परंतु फिर भी एक मलिफिक प्लैनेट तो वो है, तो वो भी आकर विराजमान हो रहे हैं। परंतु सूर्य बुध में तो आपस में मित्रता है, परंतु मंगल के साथ जरूर बुध को थोड़ी सी परेशानियां हो जाती हैं, जो थोड़े से प्रभाव को कम करता है, बुध की इस उच्च अवस्था को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। साथ ही साथ बुध क्योंकि उच्च अवस्था में है तो भाग्य का साथ तो आपको जरूर मिलेगा, और इस समय पर आप कुछ अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, उन पर वर्कआउट कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के आपको फायदा पहुंचा सकती है। मेरा नाम मोनिमा चटर्जी, मैं यूट्यूब में देख के माता जी को मेरा अच्छा लगा तो फिर मैंने फोन किया तो बात किया, बहुत अच्छा लगा। फिर माता जी ने मेरे को रिंग पहनने के लिए बोला, तो पहनने के बाद मैं तो खुशी हूँ और ऐसा लग रहा है कि अंदर से जैसे विश्वास एक आ गया मेरे लिए, अब लगता है जब सब कुछ यहीं से सब ठीक हो जाएगा। बस जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मिलके तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना खुश हुई मेरा अंदर से, मतलब पहले जैसे मैंने थी ना छोटे उम्र में,
अब इसी उम्र में मेरे को लग रहा है मैं छोटा बचपन से आ गया मेरे को लटके, बिल्कुल बचपन की तरह लग रहा है ये पहनने का बाद, अंगूठी पहनने का बाद मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए भक्तगणों चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से समय किस प्रकार है सितंबर 2021 में तुला राशि के जातकों के। तो देखिए तुला राशि के जातक जो बड़े ही समय से शुक्र की अशुभ स्थिति से जूझ रहे थे, जिनके शुक्र नीच चल रहे थे वो भी 12वें भाव में, अब उनका शुभ समय आ गया है क्योंकि लग्न भाव में शुक्र देवता प्रवेश कर रहे हैं। अब क्योंकि जो लग्न भाव है वो भी एक केंद्र स्थान है तो इसलिए वहां से एक मालव्य योग का निर्माण होता है, वो भी आपकी अपने लग्न भाव में, जो कि आपके लिए बड़ा ही शुभ है। जो बाकी अशुभ प्रभाव है कुंडली में, जो अशुभ ग्रहों की स्थिति है, उनको बहुत हद तक ही काबू में लेके आता है ये मालव्य योग, जो आपको इस समय पर फेम दिलाएगा, पॉपुलैरिटी दिलाएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति समय पर आपको कराएगा। और साथ ही साथ क्योंकि लग्न भाव है जो कि आपकी बॉडी का भाव है तो स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा। जो इतने समय से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आप जूझ रहे थे वो सभी परेशानियां आप छुमंतर होने जा रही हैं इस मालव्य योग के कारण। शुक्र की शुभ स्थिति का आपको लाभ मिलने वाला है पूरे सितंबर 2021 में। 6 सितंबर को ये प्रवेश करेंगे शुक्र देवता, जैसे जैसे अपनी राशि में उनका उदय होता जाएगा, आगे उनकी डिग्री बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे समय आपके लिए और ज्यादा अच्छा करेंगे शुक्र देवता, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बढ़ेगा। चलिए भक्तगणों चर्चा को अब आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी भक्तगणों को मैं एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ, एक शुभ समाचार बताना चाहता हूँ। हमारे शनि मंदिर के कई से भक्तगण ऐसे होते हैं, बहुत से भक्तगण ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल तौर पर थोड़े से कमजोर होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, और कई बार वो अपने लिए इसी वजह से वैदिक ज्योतिष के कुछ उपाय नहीं कर पाते हैं। उनकी आर्थिक क्षमता उन्हें परमिट नहीं करती है कि वो अपने लिए कुछ वैदिक ज्योतिष के उपाय कर पाए। तो उन्हीं सभी भक्तगणों के लिए हमने एक अंगूठी विशेष तौर पर तैयार की है, एक लॉकेट विशेष तौर पर तैयार किया है, जिसको हम विशेष सर्व कार्य सिद्धि लॉकेट कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला ये लॉकेट या अंगूठी साबित होने वाले हैं, और बहुत ही कम कीमत पर, आपके बहुत ही बजट फ्रेंडली कीमत पर हम ये लॉकेट आपको दे रहे हैं ऑलमोस्ट, और ये भी हम आपके घर पर आपको भेज रहे हैं, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर होम डिलीवरी के माध्यम से आपको ये लॉकेट और ये अंगूठी प्राप्त हो सकती है। और हर प्रकार की समस्या, फिर चाहे आपके जीवन में जॉब, इनकम, अधिक कर्जा होना, शादी में देरी हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, सरकारी जॉब ना लग रही हो, घर का माहौल अच्छा ना हो, पति पत्नी में अनबन हो, हर प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसमें निश्चित तौर पर इस लॉकेट, इस अंगूठी को धारण करने से आपको लाभ होगा। आवश्यकता क्या है, इसकी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आपको हमसे संपर्क करना है, संपर्क कीजिए, इस लॉकेट को, इस अंगूठी को जल्द से जल्द अपने घर पर मंगवाएं और इनका फायदा उठाकर, हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी वर्षों की तपस्या के कारण, जो उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान अंकित किया है, चिन्हित किया है उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की सीख पर हमने इन लॉकेट्स को, इन अंगूठियों को तैयार किया है, और हर प्रकार की समस्या में जरूर आपको फायदा पहुंचाएंगे। आवश्यकता है कि आप जल्द से जल्द इन्हें मंगाएं और अपना कर अपने जीवन में आप आगे बढ़ जाएं। चलिए भक्तगणों चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं कि जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ समय किस प्रकार रहने वाला है आप लोगों का सितंबर 2021 में। तो मालिक मंगल जो है वो इस समय पर 12वें भाव में विराजमान है। अब 12वां भाव क्या बताता है, 12वां भाव हमें सेपरेशन, दूरी के बारे में बताता है, क्योंकि लग्न से सबसे दूर है, तो इसीलिए यहां पर ही दर्शा रहा है कि जीवन साथी से और लाइफ पार्टनर से कुछ समय दूरी आपकी रह सकती है। ये
अशुभ तरीके से नहीं मैं आपको बोल रहा हूं कि अशुभ है या शुभ है, परंतु दूरी जरूर होगी, यानी कि आप कहीं होंगे, आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर कहीं और से काम कर रहे हैं इस समय पर, आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बन रही है, एक डिस्टेंस आपके बीच में बन रहा है। तो इस समय पर ट्रिप्स होना, चाहे फिर वो आपके बिजनेस पार्टनर की हो सकती हैं, आपके लाइफ पार्टनर की हो सकती हैं, या आपकी खुद की हो सकती हैं, पर अलग अलग जगह पर आप इस समय पर रह रहे हैं, ये सितंबर 2021 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि खर्चा इस समय पर अधिक हो सकता है जीवन साथी पर, बिजनेस पार्टनर पर, तो उसका भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। चलिए भक्तों, अब अंत में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए समय किस प्रकार रहने वाला है सितंबर 2021 में। इस चर्चा को करने के लिए आपकी कुंडली के हम लोग पंचम भाव का अध्ययन करते हैं। पंचम के स्वामी शनि कहां पर विराजमान है, चतुर्थ भाव में, कैसे हैं वक्री अवस्था में, और वहां पर बृहस्पति भी 14 सितंबर को आकर वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि में विराजमान होने वाले हैं, जो कि दर्शा रहा है कि घर में चिंताएं बढ़ रही हैं, घर में समस्याएं बढ़ रही हैं, घर का माहौल इस समय पर डिस्टर्ब्ड है, कुछ अनबन है घर के माहौल में, घर के लोगों में, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। फोकस आप लूज कर रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पर, जो कि आपके लिए एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है। साथ ही साथ क्योंकि एजुकेशन का ये पूरा भाव है, तो इस समय पर एजुकेशन से संबंधित कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म आपको रिग्रेट का कारण बन सकता है, लंबे समय तक आपको उस पर पछतावा हो सकता है। तो समझदारी से आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन इस समय पर लेने की आवश्यकता है। इसी प्रकार यहां पर जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेमियों का जोड़े हैं, तो आप दोनों के बीच में इस समय पर अनबन हो सकती है, दूरियां आ सकती हैं, क्योंकि स्थितियां शुभ नहीं है। शनि इस समय पर आप लोगों के लिए शुभ नहीं है, शुभ प्रभाव दे रहे हैं, वक्री अवस्था में है बहुत समय से शनि, जो कि परेशानियों का कारक बन रहे हैं। वहां पर अब बृहस्पति भी आ गए हैं, तो वो भी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। चलिए भक्तों, अब अंत में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग उस उपाय की, जिसका प्रयोग करके सितंबर 2021 को आप अपने लिए और शुभ और बेहतर बना सकते हैं। तो क्या जरूरत है? जरूरत यह है सितंबर 2021 में कि आप यहां पर शुक्र देवता को और मजबूत करें। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि शुक्र देवता लग्न भाव में आकर मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर उसको प्रबल कर देंगे तो कुंडली में जो बाकी दोष हैं, बाकी जो परेशानियां हैं, बाकी जो समस्याएं हैं, वो हो जाएंगी कम, और शुक्र का जो प्रभाव हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो इस समय पर क्या है वो छोटा सा उपाय है जो बड़ी सरलता से करके आप सितंबर 2021 को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो आवश्यकता है कि आप यहां पर नहाने के पानी में 1 से 1.5 चम्मच दही मिलाकर स्नान करें, बहुत ही शुभ स्थान आप लोगों के लिए साबित होगा। शुक्र देवता का बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान ये उपाय। तो इस पूरे महीने क्या करना है, नहाने की बाल्टी में 1 से 1.5 चम्मच दही मिला देना है और उससे स्नान करना है। इससे शुक्र देवता प्रसन्न होंगे, शुक्र देवता के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और आपके मालव्य योग को बल प्रदान होगा, और इस महीने आप हर प्रकार से, हर समस्या से जूझने में और ज्यादा सक्षम हो जाए। चलिए भक्तगणों, अब इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को विराम दे रहे हैं। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का आइकन दबा देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको ज्योतिष के वैदिक उपाय बताकर आपकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार राशिफल बताकर आपको एक बेहतर प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी
प्रोवाइड करते हैं ताकि आप समझ सके कि आने वाले दिन आने वाले महीने किस प्रकार रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी मंगल कामना के साथ कि आप और आपके परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मैं अब आप लोगों से विदा ले रहा हूं। मुलाकात होगी आप लोगों से अब अगले महीने, तब तक के लिए जय श्री।